सुदर्शन रिंकू को मिलेगा डेब्यू, रोहित विराट और शमी की होगी छुट्टी। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए ऐसी होगी भारत की 15 सदस्यीय टीम। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2023 अब समाप्त हो चुका है। आईपीएल के इस 16वें सीजन में कई ऐसे युवा खिलाड़ी हमने देखे हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन में हमें काफी प्रभावित किया। इस खिलाड़ियों में सलामी बल्लेबाज, मध्यक्रम बल्लेबाज से लेकर तेज गेंदबाज भी शामिल हैं। आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन का मतलब होता है कि टीम इंडिया में शामिल होने की अपार संभावना। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि भारतीय टीम को जुलाई और अगस्त के महीने में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। ऐसे में संभव है कि आईपीएल 2023 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 8 युवा खिलाड़ियों को वेस्टइंडीज जाने का मौका मिल सकता है। इस दौरान टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या के पास होगी। वहीं विराट कोहली, रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। आइए देखते हैं कि इस सीरीज में किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। पिछले T20 विश्व कप के बाद से ही BCCI ने T20 की कप्तानी लगातार हार्दिक पांड्या से करवाई है और साथ ही युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है। हर बार की तरह इस बार भी आईपीएल 2023 में शानदार प्रदर्शन करने वाले 8 खिलाड़ियों को BCCI वेस्टइंडीज भेज सकती है। ये खिलाड़ी हैं यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जौरेल, साई सुदर्शन, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, आकाश मधवाल, यश ठाकुर। जिन 8 खिलाड़ियों को वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम में शामिल होने की उम्मीद है, उनका आईपीएल 2023 में बेहद शानदार प्रदर्शन रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर रहे यशस्वी जायसवाल ने 14 मैचों में 625 रन बनाए हैं, वहीं रिंकू सिंह ने 14 मैचों में 474 रन, तो वहीं पर तिलक वर्मा ने 11 मैचों में 343 रन बनाए हैं और साई सुदर्शन ने 8 मैचों में 362 रन, तो जितेश वर्मा ने 14 मैचों में 309 रन बनाए हैं। ध्रुव जौरेल की बात करें तो इन्होंने 13 मैचों में 152 रन बनाए हैं, वहीं आकाश माधवाल ने 8 मैचों में 14 विकेट तथा यश ठाकुर ने 9 मैचों में 13 विकेट हासिल किए हैं। आपको बताते चले कि वेस्टइंडीज के विरुद्ध होने वाली T20 सीरीज से संभावित टीम इंडिया में होंगे सुमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जौरेल, ईशान किशन विकेट कीपर, साई सुदर्शन, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश वर्मा विकेट कीपर, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या कप्तान, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, आकाश मधवाल, यश ठाकुर।